गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द बल्क मेथड एंड पेडिग्री मेथड। एज वी हैव डन बोथ द मेथड्स इन डिटेल, बल्क मेथड एंड पेडिग्री मेथड, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? द बल्क एंड पेडिग्री मेथड डिफर इन द मैनर ऑफ हैंडलिंग एंड सेग्रीगेटिंग जनरेशंस एंड इन इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, बट द एंड प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ द मेथड्स इज प्योर लाइन वैराइटीज। So pedigree method and bulk method, that is both for the segregating generations, and from segregating generations we have to turn them into the homozygous traits. Homozygous means they have to be a pure in form or they should be in a pure variety. So pedigree method में आपने क्या किया है, जो individual plants हमने लिए थे उनको F2 में ही हमने select करना शुरू कर दिया। F2 से हमने सिलेक्शन शुरू कर दी और वहाँ से आगे 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 क्या हैं, वी हैव स्टार्टेड द सिलेक्शन। सो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी हमने ग्रो किए हैं, लेकिन जो बल्क मेथड में है उसमें F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन जो हैं उनको हमने मेंटेन करना है एज ए बल्क। ठीक है, वहाँ पे हमने बल्क मेथड में ध्यान रखना है कि हमने सिलेक्शन नहीं करनी है F2 के बाद, हमने सिर्फ उनको मेंटेन करना है एज ए बल्क। सो पेडिग्री मेथड में आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल डिजीज, एपिडेमिक्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेथड। मतलब पेडिग्रल में हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है या आर्टिफिशियल डिजीज का जो है हमने एक्सपोजर है वो देना ही देना, लेकिन बल्क मेथड में इट मे बी राइट, आर्टिफिशियल सिलेक्शन आर्टिफिशियल डिजीज जो है मे बी यूज टू असिस्ट द नेचुरल सिलेक्शन। सो इन सर्टन केसेस आर्टिफिशियल सिलेक्शन मे बी असेंशियल, मतलब इट्स नॉट अ कंपल्सरी इन बल्क मेथड बट इट इज़ कंपल्सरी इन द पेडिग्री मेथड। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, आर्टिफिशियल डिजीज एपिडेमिक्स क्या है, कि हमने आर्टिफिशियली किसी डिजीज़ का स्ट्रेस देना है। ठीक है, स्ट्रेस देना है, जो स्ट्रेस को विदस्टैंड कर गई वराइटीज उनको हमने, इसका मतलब नेचर नेचुरली जो विदस्टैंड कर रही है उस डिजीज़ को वो ग्रो हो रही हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उनका मतलब ये दैट मीन्स दैट इज़ द बेटर वराइटी। सो पेडिग्री में जो नेचुरल सिलेक्शन है डज नॉट प्ले एनी रोल इन द मेथड, क्योंकि हम तो सिलेक्शन कर रहे हैं ना, सिलेक्शन हमने सेकंड जनरेशन से स्टार्ट कर दी, तो नेचुरल सिलेक्शन का कोई हमने टाइम दिया ही नहीं उसको, किसी भी जनरेशन को नेचुरल सिलेक्शन का टाइम नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पे इतना नेचुरल सिलेक्शन का काम नहीं। लेकिन बल्क मेथड में हम टाइम ही दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, हम 7 साल तक उसको पूरा टाइम दे रहे हैं, नेचर को पूरा टाइम दे रहे हैं कि वो अपने आप ही जो है वैरायटी जो है उसको सिलेक्ट करें। हमने बस प्लांट लगाने हैं, सॉरी हमने क्रॉप लगानी है, उसको बल्क में हार्वेस्टिंग करना है, फिर क्रॉप लगानी है, फिर बल्क में हार्वेस्ट करना है, 6-7 साल यही करना है। सो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, बल्क मेथड में। सो पेडिग्री रिकॉर्ड जो हैव टू बी मेंटेन्ड, विच इज़ ऑफन टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस, क्योंकि हमने सिलेक्शन करनी है, हर बार हमने प्योर लाइन सेलेक्ट करनी है, फिर हमने हर बार देखना है कि कौन से जो हैं प्लांट्स जो हैं डिजीज़ के बाद सर्वाइव कर गए हैं, उनकी हार्वेस्टिंग करनी है, फिर हमने जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए हमें पेडिग्री रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, एलेबोरियस ऑल्सो, लेकिन बल्क मेथड में जो है नो पेडिग्री रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, क्योंकि हमने सीड्स लिए, बल्क में हार्वेस्ट किए, उनको फिर से बीज दिया। तो नेक्स्ट इज जो पेडिग्री में है, 12 साल लगते हैं न्यू वैरायटी के लिए रिलीज होने के लिए और इसकी कल्टीवेशन के लिए, लेकिन जो बल्क मेथड है यहाँ पे मोर देन 10 इयर्स, कभी कभी 30 इयर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि 7 साल तो हमने उनको नेचुरल का टाइम देना है ना, उसके बाद हमने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, तो 30 साल भी लग सकते हैं, तो 10 साल से ऊपर ही है। पेडिग्री मेथड में क्या है, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज ब्रीडिंग मेथड, लेकिन बल्क मेथड है ये लिमिटेड एक्सटेंट तक यूज़ होता है। पेडिग्री में क्या है, डिमांड क्लोज अटेंशन फ्रॉम द ब्रीडर, ब्रीडर को पूरी उसका नॉलेज, उसकी स्किल जो है इसमें जो है हेल्प करती हैं, लेकिन F2 जनरेशन से ऑनवर्ड ही उसको काफ़ी सालों का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। लेकिन बल्क मेथड में क्या है, इट इज़ सिंपल, कन्वीनियंट, इनएक्सपेंसिव, डज नॉट रिक्वायर मच अटेंशन, क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादा इसको वो नहीं करना, सिलेक्शन नहीं करनी। तो इसके लिए पेडिग्री मेथड में हमने क्या करना है, जो सेग्रीगेटिंग जनरेशंस हैं वो स्पेस प्लांटेड टू परमिट इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शंस। ठीक है, हमने क्योंकि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज की सिलेक्शंस करनी है, इसलिए सेग्रीगेटिंग जनरेशंस हैं उसको हमने स्पेस प्लांटेड करना। लेकिन बल्क मेथड में क्या है, जनरली प्लांटेड एट कमर्शियल प्लांटिंग रेट्स,
उसको कमर्शियल प्लांटिंग रेट्स पे हम कर सकते हैं कल्टीवेट। और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज यूजली मच स्मॉलर दैन इन केस ऑफ बल्क मेथड। यहाँ पे हमने बहुत कम नंबर ऑफ सीड्स से ही स्टार्ट करना है, और नेक्स्ट भी जो है नेक्स्ट जनरेशन में भी हमने कम नंबर ही लेना है। लेकिन बल्क मेथड में हमने क्या है कितना किया था, अराउंड 10 to 50,000 सीड्स भी जो है यूज़ हो, लार्ज पॉपुलेशन में हम यूज़ करते हैं उसको। तो पेडिग्री में ऑक्सीजन नर्सरीज एंड ग्रीन हाउसेज कैन बी यूज टू एडवांस द जनरेशन, लेकिन बल्क मेथड में ऑक्सीजन नर्सरी और ग्रीन हाउस नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने किसको ज़्यादा जोर देना है, किस पे, नेचुरल सिलेक्शन पे, इसलिए हम इसको नहीं यूज़ करते। आई होप दो बोथ मेथड्स आर क्लियर विद यू। लेकिन दोनों का पर्पज़ सेम है, दोनों का पर्पज़ सेम है कि हमने सेग्रीगेटिंग वराइटी से स्टार्ट करना है, और हिट्रोजाइगस वराइटी जिसको हम कह सकते हैं, हिट्रोजाइगस वराइटी है उसको हमने स्टार्ट करना, हिट्रोजाइगस बात है, हम होमोजाइगस हमने चेक करना है एंड पे, होमोजाइगस या प्योर लाइन जो है इसको चेक करना। तो सेग्रीगेटिंग जनरेशन को हैंडलिंग का ही मैनर है। आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू।